नमस्कार, मैं अरपाली और आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। बॉलीवुड वालों को कुछ सीखना चाहिए साउथ की फिल्म इंडस्ट्री से, वो भी खासकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से, कि कैसे अपने देश की संस्कृति व अपने धार्मिक प्रतीकों का श्रद्धा पूर्वक सम्मान किया जाता है, वो फिल्मों में किस प्रकार ग्लोरीफाई कर प्रेजेंट किया जाता है। 2018 की और जैसी मास्टरपीस फिल्म के राइटर व डायरेक्टर प्रशांत वर्मा लेकर आ रहे हैं माइथोवर्स नाम की सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसकी पहली फिल्म है हनुमान, जिसका टीजर उन्होंने आज ही रिलीज किया है। मात्र 17 करोड़ के लिमिटेड बजट में बनी इस फिल्म के टीजर की भव्यता के आगे 500 करोड़ के बजट वाली बनी आदि पुरुष का टीजर कहीं भी नहीं टिकता। टीजर में पहले दृश्य में ही जिस प्रकार नदी के पास भगवान हनुमान की विशाल प्रतिमा को दिखाया है, उसकी भव्यता देखते बनती है। इसके अलावा जिस प्रकार टीजर के नरेशन में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया है, वो टीजर को और भव्य बना देता है। ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को इससे सीख लेनी चाहिए कि अगली फिल्म में अपने डायलॉग्स पर ध्यान दें और वो सनातन संस्कृति के रेफरेंसेज को ग्रंथों का शोध करके सही तरीके से उन्हें प्राउडली दिखाना चाहिए, नहीं तो उनकी अगली फिल्म को भी फ्लॉप होने में कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा जिस प्रकार हनुमान जी के समुद्र के अंदर का दृश्य दिखाया है, वो हमें रोमांचित कर देता है, और जिस प्रकार उन्हें तपस्या करते हुए राम नाम को जप करते हुए दिखाया गया है, वो हमारे मन को भक्ति भव्य और अवाहित कर देता है। इस फिल्म को थिएटर में देखने का अनुभव बेहद भव्य होगा और रोमांचक होगा। अगर आप भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कब और कैसे जाएंगे इस फिल्म को देखने के लिए। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल जेटी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।